मॉर्निंग, वेलकम बैक टू परचम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं 20 जुलाई के करेंट अफेयर्स और शुरुआत हम करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट डे के साथ। आज पूरे वर्ल्ड में एक इम्पॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है, विच इज़ इंटरनेशनल चेस डे। सभी लोगों को चेस खेलना आई थिंक पसंद होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद है चेस खेलना। सो इंटरनेशनल चेस डे जो है वो 20 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी शुरुआत 1966 से की गई थी। इट वॉज द डे ऑन विच इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, मतलब फिडे जिसे हम बोलते हैं ना, उसकी स्थापना भी 20 जुलाई को की गई थी 1924 में। और इंटरनेशनल चेस डे मनाने सेलिब्रेट करने का जो आइडिया था वो यूनेस्को ने दिया था। ठीक है, तो यूनेस्को के द्वारा आइडिया प्रपोज किया गया था। 1966 से हम इंटरनेशनल चेस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसी दिन मतलब 20 जुलाई को ही फिडे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की स्थापना भी हुई थी। अब कुछ और बातें हम चेस डे के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि हमारी 5th सेंचुरी में क्योंकि चेस एक ऐसा गेम है जो किसी दूसरे विदेशी देश से नहीं आया, किसी फॉरेन कंट्री से नहीं आया, भारत में ही डिस्कवर किया गया, भारत में ही बनाया गया एक बोर्ड गेम है। तो 5th सेंचुरी में इसे इन्वेंट किया गया था, एक बोर्ड गेम है जिसको पहले हम चतुरंग के नाम से जानते थे। तो चतुरंग को ही हम चेस कहते हैं और इसको ओल्डेस्ट गेम माना जाता है। उसके बाद पर्शिया और दूसरे देशों में इसका स्प्रेड होना शुरू हुआ। जबकि आप यूके या ब्रिटेन की बात करते तो रॉयल गेम कहा जाता है चेस को। द फर्स्ट मॉडर्न चेस टूर्नामेंट वॉज हेल्ड इन लंदन इन 1851। तो पहले जो मॉडर्न चेस टूर्नामेंट हुए थे वो लंदन में हुए थे, 1851 में हुए थे। जिसको जीता था किसने? जर्मन चेस प्लेयर एडोल्फ एंडरसन के द्वारा इसे जीता गया था। 20 जुलाई को 1924 में जब 8th समर ओलंपिक गेम्स हो रहे थे पेरिस फ्रांस में, तब फिडे की स्थापना की बात की गई थी। तो जैसा कि मैंने कहा कि 20 जुलाई को 1924 में फिडे बना था। ठीक है, इसके अलावा दिस डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन मैनी एज 178 कंट्री अक्रॉस द वर्ल्ड इसको मनाया जाता है। और यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको जो मान्यता मिली है वो 2019 में मिली है। वर्ल्ड चेस फेडरेशन का हेड ऑफिस आपको लुसाने स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। इसके अलावा वर्ल्ड चेस फेडरेशन का फाउंडेशन भी 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में हुआ था। चलो अब बात करते हैं आज की और स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ के बारे में। फिर हम आज हमें कुछ रिपोर्ट्स देखनी है, SBI की कुछ इंडेक्स भी देख रहे हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपको स्टैटिक क्वेश्चन मिलेंगे, रिवीजन क्वेश्चन मिलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। आई नो मैंने कमेंट्स देखे लोगों के, स्टूडेंट्स के, तो टेलीग्राम पे कुछ डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, तो मैंने टेक्निकल टीम से बात की थी तो वो आपको कन्वे कर देंगे। तो अगर जिनका टेलीग्राम से डाउनलोड नहीं हो रहा है PDF, तो आप एप्लीकेशन से भी डाउनलोड कर सकते हैं हमारे करंट अफेयर्स के PDF को। ठीक है, सो फटाफट लिंक को एक बार शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। आइए हम आगे सेशन की शुरुआत करें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मेन्स लॉन्ग जम्प फाइनल एट द वर्ल्ड एथलीट चैम्पियनशिप। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की लंबी कूद के फाइनल में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर हो जाएगा मुरली श्री शंकर। कुछ दिन पहले भी मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के बारे में आपको बताया था। ये चैंपियनशिप कहाँ हो रही है? USA, ओरेगन, USA में ये चैंपियनशिप हो रही है। इन्होंने 8 मीटर लॉन्ग जंप करके जो है वो फाइनल में अपनी जगह बना ली है और ऐसा करने वाले ये पहले मैन हो गए हैं जिन्होंने फाइनल में, जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में अपनी जगह बनाई है लॉन्ग जंप में। मुरली श्री शंकर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू एंटर द मेन्स लॉन्ग जंप फाइनल एट द वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि ऑरेगन USA में हो रही है। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने एक नाम डेफिनेटली सुना होगा, अंजू बॉबी जॉर्ज का। अंजू बॉबी जॉर्ज जो है वो फर्स्ट इंडियन थी जिन्होंने मेक इट द वर्ल्ड चैंपियनशिप लॉन्ग जंप फाइनल एट द फर्स्ट टू विन ब्रॉन्ज मेडल इन 2003 एडिशन इन पेरिस। तो आपको अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम भी याद रखना है और अब आपको एक और नाम याद रखना है, मुरली श्री शंकर। क्वेश्चन डायरेक्टली बनेगा कि किस स्पोर्ट्स से हैं, तो लॉन्ग जंप से एसोसिएशन आपको देखने को मिलेगा। एक और इतिहास भारत के नाम आया है, वो भी हम देख लेते हैं। मेराज अहमद खान, अगर आपने कल न्यूज़ चैनल उठाया होगा, देखा होगा TV, तो यही न्यूज़ आपको हर एक न्यूज़ चैनल में डेफिनेटली देखने को मिली होगी, भले थोड़ी देर के लिए देखने मिले, क्योंकि जो लूलू मॉल का विवाद चल रहा है या निपुर शर्मा, जनरली यही सारी चीज़ें न्यूज़ चैनल में दिखाई जाती हैं, पर थोड़ी देर के लिए ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी डेफिनेटली दिखाई गई होगी। मेराज अहमद खान बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड इन मेंस स्कीट एट ISSF। तो यहाँ पे शूटिंग के बारे में बात हो रही है, शूटिंग चैंपियनशिप कहाँ पर हो रही है? हमने देखा था साउथ कोरिया में हो रही है। तो यहाँ पे मेराज अहमद खान पहले इंडियन बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है मेंस स्कीट में ISSF में। तो 2-टाइम ओलंपियन रहे हैं मेराज अहमद खान और इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बिकम द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन द गोल्ड मेडल इन द मेंस स्कीट इवेंट एट 2022।
और ISF वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा था, साउथ कोरिया में हो रहा था। इन्होंने 40 पॉइंट्स में से 37 पॉइंट अचीव किए और उसके बाद इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसके अलावा मिनशू किम जो कि साउथ कोरिया से है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगर हम वीमेंस की 50 मीटर राइफल के बारे में बात करते हैं तो थ्री पोजिशंस पे हमने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है, मतलब हम थर्ड पोजिशन पे आए हैं। और कौन कौन थे उस टीम में, तो अंजुम मुदगल, शिफ्त कौर शमरा और अंशी चौकसी जो है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल ISSF में जीता है। अब इसके अलावा दो और छोटी छोटी सी न्यूज़ है, बस इनके नाम आपको याद रखने, ज़्यादा डेप्थ में स्टडी नहीं करनी है। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेटर लेंडर सिम्पसन, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट के लिए, मतलब संन्यास की घोषणा कर दी है। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिम्पसन जो है, जिन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज़ की टीम के लिए खेला करते थे। इसके अलावा फॉर्मर वेस्ट इंडीज़ कप्तान जिनका नाम है दिनेश रामदीन, इनके द्वारा भी रिटायरमेंट ले लिया गया है इंटरनेशनल क्रिकेट से। तो दोनों ही खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ की टीम के हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। तो ये हमारी कुछ स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड न्यूज़ थी। आइए अब हम आगे बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स के बारे में, इंपॉर्टेंट पर्सन जो भी न्यूज़ में रहे हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नॉन इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंडिगो, तो इंडिगो के नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा एम दामोदरन जो है, इन्होंने सेबी में भी काम किया है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में भी इन्होंने काम किया है, इंटर ग्लोब एविएशन की ही सब्सिडरी जो है वो इंडिगो है, मतलब इंटर ग्लोबल एविएशन जो है वो पेरेंट कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की। और इनके बोर्ड के ने अप्रूवल दिया है अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर सेवी चेयरमैन एम दामोदरन, इन्हें नॉन इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। दामोदरन ने सेवी में 2005 से 2008 में चेयर जो है वो चेयरमैन के रूप में काम किया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में। इसके अलावा मई में भी एक अपॉइंटमेंट हुई थी वेंकट रमन सुमंतरन के बारे में, इन्हें चेयरमैन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ इंटर ग्लोब एविएशन चुना गया था। तो आपको इंटर ग्लोब एविएशन के भी चेयरमैन के बारे में पता चल गया, और अभी जो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इंडिगो के हैं उनका नाम भी आपको पता चल गया, एम दामोदरन है। साथ ही साथ आपको इन्फॉर्मेशन ये भी मिल गई कि इंटर ग्लोब एविएशन ही पेरेंट कंपनी है इंडिगो एयरलाइंस की। तो मुझे एक क्वेश्चन छोटा सा याद आ रहा है कि भारत में एक नई एयरलाइंस को अप्रूवल मिला है जो कि जुलाई से या अगस्त फर्स्ट वीक से अपनी सर्विसेज को शुरू करेगी, उस एयरलाइन का नाम आपको बताना है जिसको रिसेंटली लाइसेंस मिला है DCGA से, ठीक है? तो आपको उस एयरलाइन का नाम हमको कमेंट सेक्शन में बताना है अगर आपको याद हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। निर्मल सिंह कहलो हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ पॉलिटिशियन फ्रॉम विच स्टेट, तो निर्मल सिंह जी का निधन हो गया है, पूछा जा रहा है कि ये पॉलिटिशियन थे किस स्टेट से, तो आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब में जो शिरोमणि अकाली दल है उसके लीडर थे, साथ ही साथ पंजाब असेंबली के फॉर्मर स्पीकर भी रहे हैं और इनका निधन हो गया है। साथ ही साथ ही वॉज द रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर फ्रॉम द 1997 टू 2002। इसके अलावा जो है MLA के रूप में इलेक्टेड हुए थे फतेहगढ़ चौरान कॉन्स्टिट्यूंसी गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट से 1997 से लेकर 2007 में, और इन्होंने पंजाब की लेजिस्लेटर असेंबली को 2007 से 2012 तक सर्व किया है। तो आपको याद रखना कि पंजाब से पॉलिटिशियन थे और इनका निधन हो गया है। इसके अलावा एक और सिंगर है जिनका निधन हो गया है, सिंगर का नाम है भूपेंद्र सिंह, तो वेटरन प्लेबैक सिंगर भूपेंद्र सिंह हैज़ पास्ड अवे इन मुंबई एट द एज ऑफ 82। तो भूपेंद्र सिंह जी का भी निधन हो गया है जो कि एक सिंगर थे, ठीक है? अमृतसर पंजाब से इनका एसोसिएशन था और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दिल्ली से की थी। इन्होंने मोहम्मद रफ़ी, RD बर्मन, लता मंगेशकर जी, बप्पी लहरी सभी सिंगर्स के साथ काम किया है, ठीक है? तो इनका आपको प्रोफेशन याद रखना है कि सिंगर थे। चलिए अब बात करते हैं वॉट इज़ द नेम ऑफ मलयाली पोएट Who has been paid tribute at Google Doodle? आप लोगों ने कल Google Doodle देखा होगा, अगर Google आपने यूज़ किया हो पूरे दिन में तो आपने Google Doodle देखा होगा। वहाँ पर इस तरीके से एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, तो यहाँ पे ये जो लेडी दिख रही हैं ये मलयाली पोएट हैं। पूछा जा रहा है ये कौन है, तो आंसर हो जाएगा इनका नाम है बालामणि अम्मा। कौन है ये? बालामणि अम्मा। इनकी 113 नंबर की जो है बर्थ एनिवर्सरी थी, इसलिए इन्हें ट्रिब्यूट देने के लिए बालामणि अम्मा का जो Google Doodle Google ने तैयार किया था। इन्हें अम्मा या मदर के नाम से भी जाना जाता था और मुथाशी या ग्रैंड मदर के नाम से भी इन्हें जाना जाता था, जो कि मलयालम में पोइट्री लिखा करती थी। इनका जन्म 1909 में हुआ था, ठीक है, त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है? अगर हम बात करते हैं 19 जुलाई 1909 को इनका बर्थ हुआ था, ठीक है? अम्मा ने कभी भी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, स्कूल मतलब नहीं गई थी, घर पर ही इन्होंने शिक्षा ली थी
किससे, नालापट नारायण मेनन जो कि इनके अंकल थे उनसे ही इन्होंने शिक्षा ली थी और मलयाली पोएट सीखी थी। इनकी शादी 19 साल की उम्र में वी एम नायर के साथ हुई थी जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड मैनेजिंग एडिटर ऑफ मलयालम न्यूज़पेपर मथुर भूमि के एडिटर थे, ठीक है, मैनेजिंग एडिटर थे। इसके अलावा बालमणि अम्मा की पहली पोयम 1930 में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था कुप्पिकई, ठीक है। इसके अलावा इनको कई सारे अवार्ड्स भी दिए गए जो उस समय किंगडम ऑफ कोचीन के प्रिंस थे परीक्षित उनके द्वारा इन्हें साहित्य निपुण पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया है, नोबेल प्राइज़ है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है इन्हें 1963 में, सरस्वती सम्मान 1995 में दिया गया है, वी कृष्ण वॉरियर अवार्ड 1997 में दिया गया और पद्म भूषण अवार्ड 1987 में इनको दिया गया है, ठीक है। इसलिए पर्सनैलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट पर्सन जो न्यूज़ में थे वो है मणिपुर के गवर्नर ला गैनिसन। इन्हें एडिशनल चार्जेस दे दिए गए हैं वेस्ट बंगाल के गवर्नर के लिए। कल ही मैंने आपको डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं अगस्त में, क्योंकि जो हमारे अभी इंक्यूबमेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं एम वेंकैया नायडू, उनका जो टेन्योर है वो 10 अगस्त को ख़त्म होना है, इसलिए 6 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने हैं। और एनडीए गवर्नमेंट की तरफ से जो नॉमिनेशन गया है वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर का ही गया है, जगदीप धनखड़, इसलिए जगदीप धनखड़ जी ने वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे और इस्तीफा दे दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। गवर्नर अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं और गवर्नर को ओथ कराने का काम उस पर्टिकुलर स्टेट के जो चीफ जस्टिस होते हैं ना हाई कोर्ट के वो करते हैं। तो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव जी के द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण या ओथ कराने का काम दिया गया। तो मणिपुर के भी गवर्नर हैं ये और अब एडिशनल चार्जेस इन्हें वेस्ट बंगाल के भी मिला है। तो बिल्कुल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे क्लॉजेस हैं कि कोई भी एक पर्सन 2 या 2 से अधिक स्टेट्स के गवर्नर के रूप में काम कर सकता है। जैसे अगर आप तमिल साई सुंदरराजन की बात करें या प्रफुल्ल पटेल के बारे में बात करें, अब यहाँ पे हो गए हैं ला गैनिसन, तो ये सभी लोग जो है वो एक से ज़्यादा राज्यों के या यूनियन टेरिटरी के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल मैंने आपको परचम के यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो प्रोवाइड कराया था MCQ ऑन गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे आर्टिकल 153 हो गया, आर्टिकल 154 हो गया, आर्टिकल 167 ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं, आर्टिकल 213 हो गया, आर्टिकल 267 क्लॉज 1 हो गया, तो मैंने ये सारे आर्टिकल वहाँ पर MCQ के फॉर्म में डिस्कस किए हैं जिससे आप गवर्नर और CM के बारे में जान सकें। साथ ही साथ मैंने अभी जो भी 2022 में जिस भी राज्य के जो भी गवर्नर हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, इसके अलावा जो भी CM है उसकी भी लिस्ट वहाँ पर डिटेल में प्रोवाइड की है तो आप उसे देख पाएंगे। तो अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके एक बार MCQ ऑन CM एंड गवर्नर आप देख लीजिएगा, तो जिससे सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएं। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है, एन वीरेन सिंह है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली में। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है। ऐसा बोला जाता है कि दिल्ली जो है वो 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट के मामले में, जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को प्रोड्यूस करती है आफ्टर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। तो 5th नंबर पे दिल्ली है जो कि ई वेस्ट को प्रोड्यूस करती है, तो इस ई वेस्ट को रिसाइकल करने की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ पे ई वेस्ट इको पार्क को सेटअप किया जा रहा है दिल्ली में। दिल्ली के एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय जी के अनाउंसमेंट किया गया है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क जो है होलाम्बी कलान दिल्ली में सेटअप किया जाएगा और लगभग 21 एकड़ की ज़मीन पर इसको सेटअप करने का काम किया जाएगा, क्योंकि दिल्ली जो है वो 2 लाख टन ई वेस्ट हर साल प्रोड्यूस करती है जो कि लगभग 9.5% टोटल अमाउंट प्रोडक्शन इन इंडिया में है। तो इस ई वेस्ट को प्रॉपरली रिसाइकिल किया जा सके इसलिए इस ई वेस्ट इको पार्क को सेटअप किया जा रहा है। नेक्स्ट है राजस्थान गवर्नमेंट। राजस्थान गेट्स AI पावर्ड चैट बोर्ड फॉर द फास्ट डिस्पोजल ऑफ केस इन द लोक अदालत। अब लोक अदालत में जो केसेस चल रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी निपटाने के लिए, इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पावर चैट बोर्ड को लॉन्च किया गया है राजस्थान की गवर्नमेंट के द्वारा। बेसिकली नालसा ने इसको लॉन्च किया है। नालसा क्या होती है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है जिसके चेयरमैन उदय उमेश ललित जी हैं, ठीक है ना, जो कि सभी लोगों को इक्वल जस्टिस, और जैसे कि होता है ना कि अमीर व्यक्ति के पास पैसे होते हैं कि वो एडवोकेट या वकील को हायर कर सकते हैं, लेकिन गरीब व्यक्ति है तो वो नहीं हायर कर पा रहा, तो उस केस में मदद कौन करता है, नालसा ही करता है, जिससे हर एक व्यक्ति को इक्वल जस्टिस, अफोर्डेबल जस्टिस प्रोवाइड किया जा सके। तो नालसा जो है वो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है जिसके चेयरमैन उदय उमेश ललित जी हैं और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है कंट्री का पहला AI पावर डिजिटल लोक अदालत, ठीक है।
18th ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी की जो मीटिंग चल रही थी जयपुर राजस्थान में, और वहीं पर इसको लॉन्च किया गया है, जिससे लोक अदालत के जो भी केसेस चल रहे हैं इनको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा सके. द डिजिटल लोक अदालत बाय राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी वॉज डिज़ाइन एंड डेवलप बाय जुपिटर जस्टिस टेक्नोलॉजी के द्वारा इसे डेवलप किया है. अगर हम नालसा की बात करते हैं तो 9th नवंबर 1995 को इसे सेटअप किया गया था न्यू दिल्ली में, और इसका मोटो क्या है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल. नेक्स्ट है, फेसबुक ओन्ड मेटा हैज़ रिलीज इट्स फर्स्ट एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट इन जुलाई 2022. तो फेसबुक का जो ओनर है मेटा, तो मेटा ने, क्योंकि कई सारे मामले ऐसे होते हैं जो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होते हैं, या ह्यूमन राइट से बुलिंग करना नेट इंटरनेट पे, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि साइबर क्राइम इंटरनेट के जरिए क्राइम, तो उसके लिए ह्यूमन राइट की पहली रिपोर्ट जो है वो यहाँ पे लॉन्च की गई है. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच कंपनी इज नॉट ओन बाय मेटा, इनमें से कौन सी कंपनी जो है वो मेटा के द्वारा ओन नहीं की जाती है. तो जिसको पता होगा कि मेटा कौन कौन सी कंपनी को ओन करता है तो डेफिनेटली इसका आंसर कर देगा. तो आंसर है डुओ. डुओ जो है वो मेटा की कंपनी नहीं है, बाकी सारी जो है वो मेटा ओन कंपनी है. ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा. यहाँ पे अगर हम मेटा प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो फेसबुक है ही, मैसेंजर, फेसबुक वॉच, फेसबुक पोर्टल, इसके अलावा ऑक्यूलस, जिफी, मैपिलरी, है ना, प्रीसाइज, और जियो प्लेटफॉर्म पर भी 9.99 स्टैक जो है वो मेटा के हैं. तो ये सभी के सभी कंपनीज जो है वो मेटा की हैं, जबकि डुओ जो है वो मेटा की नहीं है. आइए हम न्यूज़ पे बात करते हैं. तो फेसबुक ओनर मेटा के द्वारा पहली बार एनुअल ह्यूमन राइट रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है कि लगातार जो एब्यूज़ हो रहा है या जो वायलेंस हुए इंटरनेट के ज़रिए म्यांमार में, इंडिया में, तो उनको आंखें बंद करके नहीं देखा जा सकता. उसके लिए हमें इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश करने की ज़रूरत है, इसलिए इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है. फेसबुक की बात करते हैं तो 2004 में फेसबुक बनी थी. मार्क जकरबर्ग इसके फाउंडर हैं और कैलिफोर्निया में इसका हेड ऑफिस आपको देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है 2022 एक्सपेट इंसाइडर रैंकिंग. अब ये एक्सपेट इंसाइडर रैंकिंग क्या होती है, बेसिकली इसमें एक सर्वे किया जाता है कि कौन सी डेस्टिनेशन अराउंड द वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी लाइफ प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करने का काम करती हैं, या लाइफ क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट शो करती हैं. तो उसके सर्वे के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है. इंटरनेशनल या इंटरनेशंस के द्वारा इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है. तो 2022 एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग के बारे में हम बात करते हैं. तो इसमें भारत की रैंकिंग है 36 आउट ऑफ 52 कंट्रीज़. तो इंटरनेशन हैज़ रिलीज द एक्सपेक्ट इंसाइडर रैंकिंग फॉर 2022, जिसमें मैक्सिको ने, आप देखेंगे कि मैक्सिको ने के द्वारा टॉप किया गया है. मैक्सिको के बाद इंडोनेशिया के बाद आप देखेंगे कि इंडोनेशिया के बाद ताइवान, पुर्तगाल, स्पेन, यूएई, वियतनाम, थाईलैंड, ये सभी टॉप हैं. हमको भारत की रैंकिंग देखनी है. भारत की रैंकिंग 36 है आउट ऑफ 52 कंट्री, और भारत की रैंकिंग इजिप्ट की रैंकिंग कितनी है, 35, और चाइना जो है वो 33 नंबर पे है, जबकि यूके जो है वो 37 नंबर पे है. तो इजिप्ट और यूके के बीच में भारत की रैंकिंग है 36 आउट ऑफ 52 कंट्री. अगर हम बॉटम परफॉर्मेंस देखते हैं तो कुवैत, न्यूजीलैंड, हांगकांग आप देख लेंगे. ठीक है, तो इस सर्वे में आप भारत की रैंकिंग भर याद रखिएगा, 36 है और मैक्सिको ने टॉप किया है. अब SBI की स्टडी से एक और रिपोर्ट पब्लिश की गई है. फार्मर्स एवरेज इनकम ग्रू 1.3 टू 1.7x बिटवीन फाइनेंशियल 18 एंड फाइनेंशियल ईयर 2022. तो SBI ने एक स्टडी करी है और कहा है कि अभी कुछ सालों में, मतलब 2018 से 2022 में, जो फार्मर्स की इनकम है, जो किसानों की आय है, वो 1.3 से 1.7 गुना तक इंक्रीज़ हुई है. तो एज़ पर द SBI स्टडी, द एवरेज इनकम ऑफ फार्मर बिटवीन फाइनेंशियल 2017-18 एंड 21-22 हैज़ बीन इंक्रीज इन द ब्रैकेट ऑफ 1.3 एंड 1.7 टाइम्स अक्रॉस द इंडिया. इनफैक्ट जो लोग भी सोयाबीन का प्रोडक्शन करते हैं महाराष्ट्र में, और कॉटन का प्रोडक्शन कर्नाटका में जो होता है, इन सारे फार्मर्स की जो इनकम है वो डबल भी हुई है इस समय में. ठीक है, ये बात स्टडी में बताई गई है SBI के. The study is based on the primary data, contain granular data of various crops from agri incentive branches and analyzes the change in income of farmers. तो different reports के जरिए SBI की study से हमें पता चला है कि 2022 और financial year 2018 से 2022 के बीच में जो किसानों की आय है वो दुगनी ना होकर 1.3 से 1.7 गुना ज़्यादा हुई, जबकि सोयाबीन और कॉटन के वाले जो farmers हैं उनकी आय दुगनी हुई है. Which country has launched an aviation passenger charter to help passenger know their rights?
तो यात्रियों को उनके अधिकारों को जानने के लिए किस देश के द्वारा एविएशन पैसेंजर चार्टर को लॉन्च किया गया है? तो ऐसा लॉन्च करने वाला देश कौन बन गया है? यूके। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एविएशन पैसेंजर चार्टर को जो है वो लॉन्च किया गया है। इससे पैसेंजर जान सकते हैं कि अपनी राइट क्या है, अगर यात्रा के दौरान एयरपोर्ट पे इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो वो अपने राइट्स के बारे में जानेंगे, तो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनको मदद मिलेगी। ठीक है। इट हैज़ बीन डेवलप बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द पार्टनरशिप विद द एविएशन सेक्टर एंड ट्रेवल इंडस्ट्री। इस चार्टर में, ये चार्टर जो है वो पैसेंजर को उनके राइट्स के बारे में अवेयरनेस दिलाएगा। इसके अलावा कैंसिलेशन क्या हुआ है, डिले कितनी हुई है, अगर आपके बैगेज जो है वो मिस हो गए हैं तो उसके बारे में सभी चीज़ों के बारे में गाइडेंस और कंप्लेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द भारत रंग महोत्सव 2022? तो भारत रंग महोत्सव 2022 का उद्घाटन या आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंसर हो जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए नई दिल्ली में इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया था। तो विच इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज द भारत रंग महोत्सव, आंसर हो जाएगा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में, एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। और ये किस नंबर का भारत रंग महोत्सव था? तो ये 22nd नंबर का एडिशन था। ठीक है। NSD जो है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। द फेस्टिवल एम टू रिमेंबर एंड पे ट्रिब्यूट टू आवर फ्रीडम फाइटर अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव 2022। इस फेस्टिवल को नई दिल्ली में, इसके अलावा 5 अलग अलग सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ कहाँ? भुवनेश्वर, वाराणसी, अमृतसर, बेंगलुरु और मुंबई। ठीक है। और 22nd नंबर का एडिशन था भारत रंग महोत्सव का। अगर हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में बात करते हैं तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा इज़ वन ऑफ द लीडिंग थिएटर इंस्टीट्यूट है। ठीक है। जिसको 1959 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, लेकिन उसके बाद एक 1975 में एक इंडिपेंडेंट बॉडी ये बन गई। ये पूरी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर काम करती है। रमेश चंद्र गौर जी अभी डायरेक्टर है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ समय पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा GST पर मीटिंग हुई थी, काउंसिल पर मीटिंग हुई थी, है ना। तो जो भी GST पे डिसीजन लिए गए थे वो 18 जुलाई से इफेक्ट होने थे, ये बात भी मैंने आपको कही थी। तो यहाँ पे कुछ डिसीजंस लिए गए हैं जिनको एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस पे जो मीटिंग हुई थी उसके डिसीजन आ चुके हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कस्टमर विल हैव टू पे 5% GST ऑन प्री पैक्ड या लेबल फूड आइटम सच एज द आटा, पनीर, कर्ड। ठीक है। तो यहाँ पे 5% GST जो है वो प्री पैक्ड या लेबल फूड आइटम पे लगा दिया गया है, जिसमें आटा भी शामिल है, कर्ड और पनीर भी शामिल है। इसके अलावा अगर आप हॉस्पिटल में रूम लेते हैं और आपके हॉस्पिटल का जो रूम है वो 5000 से ज़्यादा है उसका रेंट है, तो उस पर भी आपको GST 5% देना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें 18 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगी, मतलब हो गई हैं। इसके अलावा अगर होटल रूम लेते हैं जिसका टैरिफ जो है वो 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ तक है, तो उसके लिए 12% GST देने की बात की गई है। अगर बैंक आपके लिए चेकबुक को इशू करता है तो उस पर जो चार्जेस लगेंगे वो 18% GST लगने की बात यहाँ पर की गई है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे प्रिंटिंग, राइटिंग और ड्राइंग इंक जो होती है, नाइफ्स जो यूज़ होते हैं कटिंग या ब्लेड्स में, पेंसिल शार्पनर, LED बल्ब, LED लैम्प, है ना, इन सारी चीज़ों में भी हाइक कर दिया गया है। GST पहले 12% था, इसको बढ़ाकर 18% कर दिया है, और ये भी 18th of July से इम्प्लीमेंट होगा। इसके अलावा सोलर वाटर हीटर पे भी GST बढ़ा दिया गया है, 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। द टैक्स ऑन सर्विसेज सच एज अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रोड, ब्रिज, रेलवे, मेट्रो फैसिलिटी, इन सब के लिए भी GST 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। और जो रेंटिंग फॉर ट्रक एंड गुड कैरेज होते हैं उन पे जरूर GST कम किया है 18% से 12%, बाकी सब कहीं GST को इंक्रीज ही किया है। इसके अलावा एक और SBI की स्टडी हुई है जिसमें हमको एक और रिपोर्ट पता चलती है कि हम बात करते हैं कि किसानों को अगर कोई नुकसान होता है तो उनकी भरपाई की जाती है ना। किसान जो लोन देते हैं तो जनरली लोन जो होते हैं वो वेव ऑफ हो जाते हैं, उनकी लोन को, ऋण को माफ़ कर दिया जाता है। ठीक है। तो उसी से रिलेटेड एक डेटा पब्लिश किया गया है, फार्म लोन वेवर्स स्कीम। ठीक है। इसमें कहा गया है कि 2014 के बाद से जो 9 राज्यों को बोला गया था कि इतने इतने फार्मर्स हैं और इतना इतना इनका ऋण है या लोन है और जिनको आपको वेव ऑफ करना है या हटाना है, ऋण माफ़ करना है, तो उनमें से आधे
बेनिफिशरी को ही अभी इनकी सर्विसेज मिली हैं, मतलब आधे किसानों के ही ऋण माफ़ हुए हैं और बाकी किसानों के अभी तक ऋण माफ़ अलग अलग राज्यों में नहीं है। अगर हम राज्यों की बात करते हैं तो इसमें बताया कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस या जो बेनिफिशरी जिनको अभी तक फ़ायदा नहीं मिला है और उनके लोन को नहीं माफ़ किया गया है, उनमें तेलंगाना है, तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के नाम यहाँ पे सामने आते हैं। अगर किसी राज्य ने अपने किसानों के ऋण को माफ़ कर दिया है तो उसमें आप देखेंगे पूरी तरीके से फार्म लोन वेवर इम्प्लीमेंट को काम करने का काम छत्तीसगढ़ ने किया है 2018 में, महाराष्ट्र 2020 में पूरे 100% से 91% तक जो एलिजिबल फार्मर्स थे उनको यहाँ पर सुविधाएँ प्रोवाइड की है। तो इस तरीके से ये डेटा पूरा पब्लिश किया गया है SBI की रिपोर्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारे स्टेट में किस किस साल कितने अमाउंट के लोन जो हैं या कितने परसेंट किसानों के लोन को माफ़ किया है। तो आप यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मेंस में देख सकते हैं तेलंगाना ने अभी तक केवल 5% ही ऋण माफ़ किए हैं 2014 से अभी तक, बाकी आप बाकी राज्यों के भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो तेलंगाना और झारखंड का परसेंटेज और मध्य प्रदेश का परसेंटेज आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, जबकि आपको महाराष्ट्र का परसेंटेज आप देखिए, आंध्र प्रदेश का परसेंटेज, इनफैक्ट आप छत्तीसगढ़ का देखेंगे तो आपको 100% यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हिंडेल्को साइन MOU विद अ फिनर्जी फॉर्म फॉर एल्यूमिनियम एयर बैटरीज। फिनर्जी कहाँ की कंपनी है? तो फिनर्जी जो है वो एक इसराइल कंपनी है, ठीक है। तो हिंडेल्को इंडस्ट्री के द्वारा फिनर्जी जो कि एक इसराइल बेस्ड कंपनी है उसके साथ MOU साइन किया है और कहा है कि हम एल्यूमिनियम एयर बैटरीज को डेवलप करेंगे फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और चार्ज को या एनर्जी को स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरी पार्टनरशिप हुई है, साथ ही साथ कहा है कि अब जो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज होंगी जब इनका यूज़ हो जाएगा उसके बाद इनका अगर हम रिसाइकिलिंग की बात करते हैं तो इसको आफ्टर यूज़ हम रिसाइकिलिंग करने का काम भी करेंगे। तो हिंडेल्को फिनर्जी एंड IOP partner on R&D and the pilot project of aluminium plates for the aluminium air batteries and recycling of aluminium after the uses in these batteries, ठीक है। तो ये पूरा joint venture हुआ है। हिंडेल्को इंडस्ट्री जो है वो एक subsidiary है आदित्य बिरला ग्रुप की, ठीक। तो ये कुछ हमारे आज के current affairs थे। अब हम revision question देखेंगे और फिर static question देखेंगे। पहला question है the department of consumer affairs has launched blank a muscat for empowering consumer राइट्स। तो किस मस्कट को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा जागृति, और टैगलाइन क्या थी? जागो ग्राहक जागो। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। NSE के नए MD और CEO कौन बने हैं? आशीष कुमार चौहान जी ने शपथ ली है, या आशीष कुमार चौहान जी शपथ तो नहीं अपॉइंटमेंट हुआ है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडियन नेवी क्लो क्लास सबमरीन ब्लैंक हैज़ डीकमीशन फ्रॉम सर्विस आफ्टर 35 ईयर इन सर्विस। तो किस सबमरीन को अभी डिकमीशन कर दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा INS सिंधुध्वज। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु हैज़ वॉन द वीमेन सिंगल टाइटल ऑफ द सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो किसने अपना पहला टाइटल जीता है? PV सिंधु। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाइना की वांग यांग को हराया है। हु हैज़ वॉन द 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन हेल्ड इन सर्बिया। तो 15th इंटरनेशनल चेस ओपन पैरासिन किसने जीता है? आंसर हो जाएगा R. Pragyanandan ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन, इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तो इसका हेड ऑफिस वहीं पे है जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेड ऑफिस भी है, मतलब नेदरलैंड हेग। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। विच ऑफ दीज नोबल इज ऑथर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर स्मृति जुबिन ईरानी। स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा लाल सलाम। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। फिर है मयानी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है? तो मयानी वर्ल्ड सेंचुरी महाराष्ट्र में है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विद्यासागर सेतु इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो विद्यासागर सेतु जो है वो कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। विद्यासागर सेतु जो है इसको हम सेकेंड हुगली ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ अ टोल ब्रिज ओवर द हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये कोलकाता और हावड़ा सिटी को कनेक्ट करने का काम करता है। 1992 में इसे ओपन करने का काम किया गया था और लगभग 823 मीटर ये ब्रिज है, विद्यासागर सेतु ब्रिज। कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है इन विच इंडियन स्टेट इज द शिवालिक फॉसिल पार्क म्यूजियम लोकेटेड। तो शिवालिक फॉसिल पार्क म्यूजियम कहाँ पर है? आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है मुरुगप्पा गोल्ड कप किस फील्ड से या किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? पोलो, क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी। तो ये मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वो हॉकी से एसोसिएटेड है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
यहाँ पर एक क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा, सही आंसर भी हम आपको वहीं पर प्रोवाइड करेंगे। इन विच स्टेट इज द इंडिया फर्स्ट फ्लड म्यूजियम, सॉरी फर्स्ट फूड म्यूजियम सिचुएटेड, भारत का पहला फूड म्यूजियम कहाँ पर है, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटका या पंजाब। तो ये आपका करंट अफेयर्स भी हो गया और ये आपका स्टैटिक भी हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमको कमेंट में दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही कुछ अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। इसके अलावा आप एक बार यूट्यूब पर हमारी प्लेलिस्ट में जाके गवर्नर और सीएम का वीडियो ज़रूर देख लेंगे, और कल आएगा बीआई, और बीआई में हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। और बीआई कहाँ पर मिलेगा आपको, परचम वॉल्यूम 2 पे मिलेगा। अगर अभी तक परचम वॉल्यूम 2 सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको कर लेंगे, क्योंकि कल इवनिंग में आपको वहाँ पर बर्निंग इशू देखने को मिलेगा। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।